हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो करें स्टार्ट? यस। पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे है ना? पढ़ाई करनी है बेटा घर पे, है ना? दिल लगा के पढ़ना अच्छी तरह से। चलो, टुडे वी हैव बेटा अब्सॉर्प्शन। कल हमने बात की बेटा डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ लिया बेटा हमने, है ना? तो नाउ वी हैव अब्सॉर्प्शन। सुनना बेटा ध्यान से, absorption of nutrients, सुनना बेटा। अब न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कैसे होते हैं, है ना? मतलब क्या है अब्सॉर्प्शन, सुनना ध्यान से। सिंपल सी बात बता दें, स्पोज ये हमारी एनर्जी कैनाल है ना, आज तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अब्सॉर्प्शन होती क्या है, कैसे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं, है ना? कहाँ से अब्सॉर्प्शन होती है, साइड ऑफ अब्सॉर्प्शन क्या है, समझा रही है? ध्यान से सुनना। सपोज दिस इज आर एलिमेंट्री कैनाल, सपोज ये क्या हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमने न्यूट्रिएंट्स, हमने फूड खा लिया, सपोज फूड में क्या थे, प्रोटीन से, है ना? प्रोटीन्स खा लिए बेटा, प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए, यस। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं तो क्या बनता है, अमीनो एसिड्स, है ना? अमीनो एसिड्स बन गए, मैंने बताया था डाइजेस्ट क्या होगा, प्रोटीन, अमीनो एसिड तो अब्सॉर्ब हो जाएंगे डायरेक्ट, है ना? समझ रहे नहीं आ रही? तो ये तो होगी बेटा डाइजेशन, दिस प्रोसेस इज डाइजेशन। कैसे हो गई, पढ़ लिया हमने सारा, दिस इज व्हाट डाइजेशन, ल्यूमन में क्या होगी, डाइजेशन होगी। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, अब इनका क्या होगा, ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, दीज डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, इनका क्या होगा अब, यस, ये ब्लड में आ जाएंगे, यस। नाउ दीज डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, ब्लड एंड लिम्फ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यस, दिस इज व्हाट कॉल्ड अब्सॉर्प्शन। जो डाइजेस्ट हो गया बेटा, जो डाइजेस्ट हो गया उसको क्या करना, अब्सॉर्ब करना, समझा रही है नहीं है, क्या करना उसको, अब्सॉर्ब करना, समझा रही है नहीं है, मतलब क्या होगा, इट इज दी, यस, नाउ इट इज दी ट्रांसपोर्ट, इट इज दी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहां से, फ्रॉम दी ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम दी ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड यस लिम्फ, दिस इज अब्सॉर्प्शन। क्या है बेटा ये अब्सॉर्प्शन है, समझा रही है कि नहीं आ रही, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ, दिस इज अब्सॉर्प्शन, समझा रही है कि नहीं। तो अब क्या होगा उसके बाद, है ना, ये भी ब्लड में आ गई, ग्लूकोज कहां आ गया, ब्लड में, अमीनो एसिड्स कहां आ गए, ब्लड में, तो क्या होगा, ब्लड क्या है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट द अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, इसने क्या करना है, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है कहां तक, सेल्स तक लेके जाना है इसने, समझा दिया कि नहीं यार। स्टार्च डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन गया बेटा ल्यूमन में, एलिमेंट्री कैनाल में, अब है ना, ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या बन गया, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कहां आ गए, ब्लड में, चाहिए किसको, नर्व सेल्स को, तो नर्व सेल तक कौन लेके जाएगा, ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, समझा लिया नहीं यार। ब्लड क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट, यस, एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, ब्लड क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट द अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, द अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, यस, इनटू द इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स। ब्लड क्या करता बेटा, ब्लड ये जो अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है इनको कहां तक लेके जाएगा, सेल तक। अब अमीनो एसिड कहां आ गए, अमीनो एसिड कहां आ गए, अब सेल के अंदर आ गए, यस,
ट्रांसपोर्ट हो गए, कहाँ आगे सेल के अंदर आगे। अब सेल के अंदर क्या होगा, दीज अमीनो एसिड, सेल में क्या होगा, दीज अमीनो एसिड नाउ इट दे विल बिकम, नाउ दीज अमीनो एसिड विल बिकम इंटेग्रल कंपोनेंट, यस इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब ये जो अमीनो एसिड बेटा अंदर आई है, ये प्रोटोप्लाज्म का क्या बन जाएगा, इंटेग्रल कंपोनेंट बन जाए, समझा रही है यानी इंटेग्रल कंपोनेंट बन गया तो सेल की क्या होगी बेटा, ग्रोथ होगी, तो सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन, है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, असिमिलेशन बोल देते हैं। पढ़ाई तो लग रहा नहीं लग रहा, बहुत इजी होगा। सबसे पहले क्या हुई, इंजेशन, फिर फूड क्या होगा, डाइजेस्ट, डाइजेशन के बाद ब्लड में आ गया, ब्लड ने ट्रांसपोर्ट करके कहां तक, इंडिविजुअल सेल तक, सेल के अंदर जाके वो क्या बन गया, सेल का एक इंटेग्रल कंपोनेंट बन गया जिससे सेल की ग्रोथ हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। समझा रही है नहीं, यानी जैसे बेटा ये वॉल है सामने, है ना, वॉल किसकी बनी है, ब्रिक्स की बनी है, है ना, अगर मैं ब्रिक्स को वॉल में ऐड करता जाऊं तो वॉल की ग्रोथ होगी कि नहीं, वॉल की ग्रोथ कब होगी, जब ब्रिक्स वॉल का एक कंपोनेंट बन जाएगी, समझा। वैसे ही जो हम खाते हैं बेटा, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ब्लड में आ गए, जो अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, समझा रहे, जितनी देर तक न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रोटोप्लाज्म का इंटेग्रल कंपोनेंट नहीं बनते उतनी देर तक हमारी ग्रोथ नहीं होती, समझा रही है कि नहीं यार। जब वो इंटेग्रल कंपोनेंट बन जाते हैं बेटा तो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, समझा रही है कि नहीं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन, क्या होगी ये, असिमिलेशन होगी, समझा रही है नहीं यार। जो वेस्ट बच गए बेटा एलिमेंट्री कनाल में, जो बच गए उनकी क्या हो जाएगी, डाइजेशन, क्या हो जाएगी, डाइजेशन होगी, समझा रही है कि नहीं। तो टोटल कितनी प्रोसेस होगी, सबसे पहले होगी बेटा डाइजेशन, उसके बाद क्या होगी, डाइजेशन, फिर क्या होगी, अब्सॉर्प्शन, फिर क्या होगी, असिमिलेशन, लास्ट में क्या होगी, डाइजेशन। समझा रही है नहीं यार, पता लग गया सारी प्रोसेस, समझा रही है नहीं यार। असिमिलेशन का मतलब पता लग गया ना, कई बच्चे बोलते हैं स्टोरेज, स्टोरेज इज नॉट असिमिलेशन, स्टोर करना असिमिलेशन नहीं होती, समझा रही है कि नहीं यार। उसको यूज करना, जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो गए उसको क्या करना है, यूज करना है, समझा रही है कि नहीं यार। पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा बेटा। एक तो हो गए बेटा न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो गए, अब न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो गए, अब्सॉर्ब होने के बाद सेल में चले जाएंगे, ब्लड में आगे, ब्लड क्या करेगा, ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना इंडिविजुअल सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक बेटा क्या पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं, समझा रही कि नहीं यारी, समझा रही है। सेल के अंदर जाके सेल क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेगा, जो यूज कर लिया सेल को, समझा रही, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन, समझा रही कि नहीं यारी। जो अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स है बेटा वो सेल में जाके सेल का एक इंटेग्रल कंपोनेंट बन जाते हैं या सेल उसे यूज कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन। जो बच गए, जो अब्सॉर्ब नहीं हुए, जो बच गए उसकी क्या होगी, जो वेस्ट बच गया उसकी क्या होगी, डाइजेशन, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल थ्रू एनस, दैट इज डाइजेशन। समझा रहे कि नहीं यारी, पता लग रहा नहीं पता चलो बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ना है, यस ये देखना अब्सॉर्प्शन, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, समझा रही है कि नहीं यारी। इजी हो गया, अब्सॉर्प्शन की बात करते हैं, मतलब पता लगता है, मतलब पता लग गया, इंजेशन है, डाइजेशन है, अब्सॉर्प्शन है, असिमिलेशन है, डाइजेशन है, समझा रही नहीं यारी, बहुत इजी है, सुना ध्यान से। तो ये तो होगी अब्सॉर्प्शन, है ना, देखते हैं मतलब बता देते हैं अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या, समझा रही है। डाइजेशन कहाँ हो रही है, एलिमेंट्री कनाल में, एलिमेंट्री कनाल की ह्यूमन में डाइजेशन हो रही है, वहां से न्यूट्रिएंट्स अब कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं, ब्लड क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा अप टू इंडिविजुअल सेल्स, वो सेल क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, वो असिमिलेशन होगी, समझा रही है कि नहीं। जो अब्सॉर्ब नहीं हुए, वेस्ट रह गया एलिमेंट्री कनाल में, उसकी क्या हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी, समझा रही है नहीं यार। चलो ये तो है बेटा पहले मतलब, अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब, अब है बेटा न्यूट्रिएंट्स टू बी अब्सॉर्ब्ड, यस न्यूट्रिएंट्स टू बी अब्सॉर्ब्ड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो गए, जो डाइजेस्ट हो गए, सिंपल सी बात है, जो डाइजेस्ट हो गए, समझा रही है, जो डिफ्यूजिबल फॉर्म है, जो स्मॉल है, सिंपल है, सॉल्युबल है, वो क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा।
जो लार्ज था, कॉम्प्लेक्स था, इनसॉल्युबल था, उसकी क्या हुई पहले डाइजेशन, डाइजेशन से क्या बने सिंपल स्मॉल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बने, है ना। अब उनकी क्या होगी अब्सॉर्प्शन, समझा लिया नहीं है। न्यूट्रिएंट कौन से अब्सॉर्ब होंगे, जो डाइजेस्ट हो चुके, जो सिंपल है, जो स्मॉल है, जो सॉल्युबल है, है ना। कौन कौन से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होंगे, देखो अब जैसे मोनोसैकेराइड्स, याद है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पड़ी है, पॉलीसैकेराइड से क्या पड़े पहले डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से क्या पड़े मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड क्या होंगे अब्सॉर्ब हो जाएंगे, है ना। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड है बेटा, है ना, फैटी एसिड है बेटा, यस सारा पढ़ना डिटेल, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है बेटा जी, विटामिन्स है बेटा जी, समझा दी कि नहीं। विटामिन्स क्या है, विटामिन अब्सॉर्ब होंगे, थोड़ी विटामिन खाली डाइजेस्ट होंगे, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म है ये, क्या होगी सीधा डायरेक्ट अब्सॉर्ब होगी। मिनरल सॉल्ट्स है, समझा दिए, सॉल्युबल, जो सॉल्युबल है, सिंपल है, स्मॉल है, वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, समझा दिए कि नहीं यारी। और यस और क्या है, जैसे वाटर, समझा दिए कि नहीं, पानी पी लिया, पानी क्या होगा डाइजेस्ट होगा, बिल्कुल ही नहीं, पानी क्या होगा अब्सॉर्ब होगा, सिंपल सी बात है, समझा दिए कि नहीं यारी। तो बेटा पहले तो ये है अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, क्या होती है अब्सॉर्प्शन, उसके बाद है बेटा क्या अब्सॉर्ब होगा ये भी पता होना चाहिए, अब किसको अब्सॉर्ब करना है, है ना। थर्ड है फिर साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन, यस साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन, साइट में बेटा 90% अब्सॉर्प्शन, सुनना ध्यान से, यस 90% अब्सॉर्प्शन है जो कहां हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं है तो यस कहां होगी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, 90% जो अब्सॉर्प्शन है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, रेस्ट 10% है दैट अकर्स इन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, समझा दिया कि नहीं यारी। लार्ज इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ वाटर अब्सॉर्प्शन, मेनली वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, समझा दी, सुनना ध्यान से, लार्ज इंटेस्टाइन की थोड़ी बहुत और बताऊंगा, है ना, जब हम ईच एशन की बात करेंगे। इसका पहले साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन है, 90% अब्सॉर्प्शन का होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्ट 10% स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, इजी हो गया। अब है बेटा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, ल्यूमन से न्यूट्रिएंट्स ब्लड में कैसे चले जाएंगे, उनके पांव लगे भी चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, समझा दिए कि नहीं यारी। अब है बेटा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, सुनना ध्यान से, यस थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं, हल्का सा बताता हूँ, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये दोबारा पढ़ने हैं सारे, ये सपोज करते चलते हैं बच्चों को आता ही ऑलरेडी, है ना, ये हम सपोज करके चलते हैं बच्चों को आता ही ऑलरेडी, 9th-10th में तो पढ़ा ही है ना, पर स्टिल थोड़ा बहुत बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में करेंगे सेल वाले चैप्टर में, समझा देंगे। चलो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब ल्यूमन से न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, है ना, दो तरीके हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, पढ़ा होगा सबने, सुनते ही आ गया नहीं ध्यान में, एक तो है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, हेयर, यस पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, पैसिव का मतलब जो एनर्जी यूज नहीं करता, है ना, इट इज द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यस from their higher concentration towards their yes low concentration, मतलब that is along the concentration gradient, along the concentration gradient without using energy yes एनर्जी, सिंपल सी बात है।
पानी ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगा, एनर्जी की जरूरत है नहीं है, समझा दिया कि नहीं यारी? दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा, जहां पे एनर्जी नहीं यूज हो रही, वेयर ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, समझा दिया कि नहीं यारी? इजी होगा। एक्टिव क्या होती है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यूजिंग क्या होगा फिर? यूजिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी यूज हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, समझा रही है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सुनना ध्यान से, पैसिव ट्रांसपोर्ट को बेटा हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, समझा दी कि नहीं? एक तो होती है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, एक होती है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, समझा दी कि नहीं? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? डिफ्यूजन तो पता ही है, सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक तरह की बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना? तो क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? हेयर डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड बाय सम अदर मॉलिक्यूल, बाय सम अदर स्ट्रक्चर्स, समझा रही है कि नहीं यार? जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, सुनना ध्यान से, सपोज मेरे साथ मेरा बेटा जा रहा है, हम दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं, पर मेरा बेटा क्या करता है, मेरी फिंगर पकड़ लेता है, समझा रही? जा तो तुरंत वॉक तो वो अपने आप ही कर रहा है ना, पर मैंने उसको अपनी क्या पकड़ा दी, फिंगर पकड़ा दी, तो मैंने उसकी मूवमेंट को क्या कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया, मेरी एनर्जी तो नहीं यूज हुई, मैं तो अपनी अपनी साइड से जा रहा हूँ, मैंने तो जाना ही है, पर मेरे साथ साथ कौन जा रहा है, कौन जा रहा है? मेरा बेटा जा रहा है, पर उसने मेरी क्या पकड़ रखी है, फिंगर पकड़ रखी है, समझा लिया कि नहीं? तो मैंने उसकी मूवमेंट को क्या कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया, समझा लिया कि यार? पता लग गया? When diffusion is facilitated by some other structure, समझा लिया? This type of diffusion is called facilitated diffusion, समझा लिया कि नहीं? Passive transport है, that is along the concentration gradient, समझा लिया कि नहीं यार? पता लग गया? Easy है, बस थोड़ा ज्यादा डिटेल में कराऊंगा सेल वाले चैप्टर में, आइडिया हो गया? समझा लिया? सिंपल डिफ्यूजन आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होगी, कहाँ होगी देखेंगे जब बात करेंगे। थर्ड है बेटा ऑस्मोसिस, एक होती है रफ कर दो बेटा इसको, इजी होती है, चलो मींस है बेटा ट्रांसपोर्ट है ना, एक है बेटा ऑस्मोसिस, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में वाटर की अब्सॉर्प्शन कैसे हो रही है, थ्रू ऑस्मोसिस, बड़ा इजी करके बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, लास्ट तक काम आए, सुनना ध्यान से, ऑस्मोसिस इज व्हाट, डिफ्यूजन है एक तरह, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, समझा दिया कि नहीं यार? समझा दिया नहीं यार? इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, सुनना ध्यान से, सपोज ये क्या है, सपोज हियर वी हैव सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इजी, सपोज ये क्या बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेमी मींस हाफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू पास, विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू पास थ्रू, समझा रही कि नहीं? वो मेम्ब्रेन बेटा जिसके बीच में से सिर्फ सॉल्वेंट ही क्रॉस करता है, सॉल्यूट क्रॉस नहीं करते, उस मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझा रही कि नहीं? सपोज एक मेम्ब्रेन है, समझा रही, इसके अक्रॉस दो तरह के सॉल्यूशन है, यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, देखो सॉल्यूशन ए, हियर वी हैव सॉल्यूशन बी, सपोज हियर वी हैव सॉल्यूशन ए, हियर वी हैव सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन किस चीज का बना बेटा, दो चीजों का बना,
सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट है, समझा रहे कि नहीं आ रही? सपोज ए सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है ज्यादा सॉल्यूट है कम। ए सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा पानी ज्यादा है नमक कम है सॉल्यूट्स कम है। बी में सॉल्वेंट बी प्लस सॉल्यूट बी, इसमें क्या है या सेम भी है, सॉल्वेंट कम है सॉल्यूट ज्यादा है, उल्टो क्या? जिस सॉल्यूशन में बेटा पानी ज्यादा सॉल्यूट कम, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पानी ज्यादा हाइपोटोनिक, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक, समझा रही है? जिस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा नमक कम वो क्या होगा हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्वेंट कम है सॉल्यूट बहुत ज्यादा है ये क्या होगा हाइपरटोनिक, क्या होगा बेटा हाइपरटोनिक होगा, ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, समझा रहे नहीं यार? अब क्या होगा, ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूट सॉल्यूट तो नहीं मूव कर सकते, क्या मूव करेगा ओनली सॉल्वेंट, अब क्या होगा पानी कहां जाएगा, पानी कहां जाएगा जहां पानी कम है, पानी कहां जाएगा ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, ज्यादा कहां है पानी ए में, पानी कम कहां है सॉल्यूशन बी में, तो अब क्या होगा या सॉल्वेंट की मूवमेंट कैसे होगी फ्रॉम सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑस्मोसिस, सिंपल सी बात है कि नहीं? ऑस्मोसिस क्या होगी, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, समझा रही है, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, समझा रहे कि नहीं? और देखो पानी कहां जा रहा है, जहां पानी कम है जहां सॉल्यूट ज्यादा है, जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मतलब समझा रहे कि नहीं? पानी कहां जा रहा है, यही बात याद रखनी है, पानी कहां जा रहा है जहां पानी कम है, ऑब्वियसली जहां सॉल्यूट ज्यादा है जो सॉल्यूशन कौन सा हाइपरटोनिक, कई तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो सबसे पहले तो इजी वन बाय वन, ऑस्मोसिस क्या होगी, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट है ना फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इजी हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन विद लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनटू अ सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस, समझा दी कि नहीं है? पता लगा सेकंड होगी, सेकंड में क्या बताया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन विद लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनटू अ सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस, मतलब सेम है। थर्ड सुनना ध्यान से, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस, समझा लिया नहीं आ रही बेटा? बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है, पानी कहां जाएगा, पानी कहां जा रहा है जहां पानी कम है, जहां पानी कम है वहां सॉल्यूट ज्यादा है, वो सॉल्यूशन क्या हो गया, अगर सॉल्यूट ज्यादा वो सॉल्यूशन क्या होगा हाइपरटोनिक हो गया, समझा लिया कि नहीं आ रही? दिस इज ऑस्मोसिस, डिफाइन तो कैसे ही कर दो, समझा लिया कि नहीं आ रही? मतलब बताओ, पता लग रहा नहीं तो लग रहा, बाकी और ज्यादा डिटेल में करेंगे बाद में, समझा लिया पहले इतना तो इजी होगा। ये बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, समझा लिया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी होगी, यस एक तो होगी बेटा सिंपल डिफ्यूजन, ये तो मेरे को लगता है ये होता ही है बच्चों, डिफ्यूजन है क्या नहीं, जैसे फ्लावर से फ्रेगनेंस आ रही है डिफ्यूजन है, मैं यहाँ पे रूम में फ्रेशनर स्प्रे कर देता हूँ सारे रूम में फ्रेगनेंस हो जाती है, ये क्या है ना सिंपल डिफ्यूजन। फिर मैंने बताई थी आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड में डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इज फैसिलिटेटेड है ना, तो देखेंगे ये भी। थर्ड है बेटा ऑस्मोसिस, पता लग गया। फोर्थ है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझा रही नहीं? ऑस्मोसिस में भी एनर्जी नहीं यूज होगी, एनर्जी थोड़ी यूज होगी, पानी अपने आप गया उधर, ऑस्मोसिस में एनर्जी नहीं यूज होगी, पानी अपने आप जा रहा है, समझा रही है नहीं यानी बेटा? इजी हो गया, पता लग गया। तो आज पहले इतना ही अच्छी तरह से पढ़ना, पहले पढ़ स्टार्ट क्या किया बेटा हमने आज, अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, समझा रही कि नहीं आ रही? अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ, दैट इज अब्सॉर्प्शन। कौन कौन से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होंगे, समझा रही है कि नहीं आ रही? साइड क्या है अब्सॉर्प्शन की और मीन्स ऑफ अब्सॉर्प्शन, अभी अब्सॉर्ब कैसे हो जाएंगे, ल्यूमन से ब्लड में जाएगा कैसे,
ल्यूमन से लिम्फ में न्यूट्रिएंट जाएंगे कैसे कैसे जाएंगे, या तो सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। समझाई बेटा नहीं आई, इजी हो गया तो पहले यही पढ़ना अच्छी तरह से, समझाने के लिए नहीं तो कल हम देखेंगे अब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, अमीनो एसिड्स कैसे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, फैटी एसिड कैसे अब्सॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट कैसे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन सारा देखेंगे, इजी हो गया। तो आज इतना ही करना है पहले अच्छी तरह से, ठीक है, फिर कल देखेंगे, ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा।